फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी जूस की रेसिपी जो आपके वो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाएगी, खून की कमी को दूर करेगी, थकान कमजोरी को दूर करेगी, स्किन को ग्लोइंग करेगी और कब्जियत को दूर करेगी और पाचन क्रियाओं को मजबूत करेगी। और ये आपको वेट लॉस में भी बहुत ही फ़ायदा करेगी क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरी से बना जूस है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी जूस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कैरेट लिया है, बीटरूट लिया है और एप्पल लिया है और लेमन लिया है। तो सबसे और ऑरेंज कैरेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज वाला या फिर रेड वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो। अब मैं सबसे पहले बीटरूट ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे छोटा वाला बीटरूट का यूज़ किया है, उसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब हम ऊपर से जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल देंगे और इसके छिलके हटा देंगे। बीटरूट में बहुत ही भारी मात्रा में आयरन होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदा करता है और खून की कमी को दूर करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, थकान कमजोरी को दूर करने में भी बहुत ही फायदा देता है। और बीटरूट आपको वेट लॉस में भी बहुत ही फायदा देगा क्योंकि इसमें बहुत ही कम मात्रा में कैलोरीज होती है और ये खाने से आपका पेट लॉन्ग टाइम तक भरा भरा रहता है। और इसको आप सलाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हो और जूस के रूप में भी आप इसको ज्यूम कर सकते हो, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा कारक है। तो बीटरूट को हम पहले इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में इसको काट के रेडी कर लेंगे। तो आप बीटरूट छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हो, आपको ज़्यादा बनाना है तो बड़े वाले का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम बीटरूट को बड़े पीसीस में कट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे दो कैरेट ले ली हूँ, मीडियम साइज़ के हैं, तो उसको भी हम बड़े बड़े पीसीस में कट कर लेंगे। और कैरेट में भी कम कैलरीज होती है तो आप इसको वेट लॉस में बहुत ही फायदाकारक होगा कैरेट भी। तो हमने कैरेट को भी बड़े बड़े पीसेस में कट करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एप्पल ले रही हूँ, एप्पल को भी मैंने वॉश करके ले लिया है, उसको भी बड़े पीसेस में कट करके ले लेंगे। और इसके छिलके हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जूस को छान के ही यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप इसको बड़े बड़े पीसेस में कट करके यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एप्पल, बीटरूट और कैरेट को बड़े पीसेस में कट करके ले लिया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप इस टाइम पे अदरक का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी हमारी पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही फायदाकारक है। तो अब मैं यहाँ पे एक गिलास पानी डाल दूँगी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसको ग्राइंड करके रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर बड़ी वाली छन्नी ले लेंगे, बड़ी वाली छन्नी से हम इसको छान लेंगे। तो इसमें जो भी बड़ा बड़ा पार्ट होगा वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा और बाकी का हम जूस इसमें छान लेंगे। तो आप स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे और इसका सारा जूस निकाल लेंगे। तो ये देखिए इतना बड़ा पार्ट निकला है, उसको हम साइड में रख देंगे और नीचे जो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है वो हम जूस में ऐड कर देंगे। उसमें भारी मात्रा में आयरन फाइबर होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदाकारक होता है। और ये जूस को आपको 10 से 15 मिनट में पी लेना है, ज़्यादा टाइम तक इसमें नहीं ऐसे ही नहीं रखना है, तो उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे ज़्यादा टाइम तक आप ऐसे ही इसको रखोगे तो। इसलिए इसको आपको 10 से 15 मिनट में ही ये जूस को पी लेना है। तो अब इसमें आधा लेमन डाल दूँगी, लेमन भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो हमारी वेट लॉस में बहुत ही फायदाकारक होता है लेमन। और ये जूस को आप वीक में एक बार ले सकते हो और वेट लॉस के लिए आप 2 से 3 बार वीक में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा जूस बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं और ये बहुत ही हेल्दी जूस है, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो आप एक बार से ये जूस ज़रूर से ट्राई करना।